बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ओपन योर मैथ्स बुक। इन टुडेज़ लेक्चर वी विल डू वर्क ऑफ सिक्स पीरियड्स एंड फ्रॉम पेज नंबर 17 टू पेज नंबर 20। एक्सरसाइज 1C और क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम लोगों ने स्टार्ट लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 के जो 6 पार्ट्स हैं इसमें आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है। और इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई अ नंबर विथ 2 digit, 1 digit, 2 digit एंड 3 digit। तो सेम मेथड इस क्वेश्चन में भी यूज़ होगा एंड नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सेम मेथड यूज़ होगा जो हम एग्जाम्पल में पहले कर चुके हैं। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है हम एग्जाम्पल्स में सीख चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास फर्स्ट पार्ट है। आपने इस नंबर को 23 के साथ, 23 इज़ अ 2 digit नंबर, 2 digit नंबर के साथ आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 को इन सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी यूज़ क्रॉस, ये साइन यूज़ करते हैं। अगर एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो फिर क्रॉस, अगर दूसरे के साथ निचली लाइन में 2 cross एंड देन 3 cross। इसको खाली जगह भी छोड़ी जा सकती है और 0 भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, 3 को पहले इन सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 24, 4 यहाँ पे, 2 कैरी, 3 9 27, 27 प्लस 2 29, 9 एंड 2 कैरी चला गया। 3 2 6, 6 प्लस 2 8, 3 1 3 एंड 4 3 12, 12 का 2 यहाँ पे लिखेंगे एंड 1 कैरी। 3 3 9, 9 में अगर 1 प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10। अब एक डिजिट को मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो क्या यूज़ करेंगे, क्रॉस का साइन यूज़ करेंगे। इट्स मीन दैट कि हम एक डिजिट को मल्टीप्लाई कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास है 2। अब 2 को आपने इन सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 2 16, 6 यहाँ पे और 1 कैरी चला गया। 9 2 18, 18 में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा, 9 यहाँ पे एंड 1 कैरी। 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 1 2, 4 2 8 एंड 3 2 6। आफ्टर दिस हम क्या करते हैं, ऐड करते होते हैं, ठीक है। डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होती है और मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होती है। 4 4 प्लस 0, ठीक है 4 आ जाएगा। 9 प्लस 6, 15, 15 का 5 यहाँ पे एंड 1 कैरी चला गया। 9 प्लस 8 प्लस 1, आपके पास क्या आ जाएगा, 8 प्लस 9, 9 प्लस 9 क्या होता है, 18, 8 यहाँ पे एंड 1 कैरी। 5 प्लस 3 प्लस 1, आपके पास क्या आ जाएगा, 9, 2 प्लस 2 4, 8 plus 0 8, 6 plus 1 is 7। दिस इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 इज, अब आपने इस नंबर को 3 digit नंबर 420 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन द सेम वे जैसे आपने 2 digit नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया पार्ट 1 में, वैसे ही 3 digit के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिर्फ डिफरेंस कहाँ से आता होता है कि जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हो क्रॉस के साइन ज़्यादा होते जाते हैं। 0 को इन सब नंबर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो आपको 0 ही देता है। 0 4 0, 0 6 0, सब के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आ गया, 0। 1 को कर चुके, देन वी यूज़ द साइन ऑफ क्रॉस। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है। 4 2 8, 6 2 12, 1 कैरी चला गया। 8 2 16, एंड आपके पास क्या आ जाएगा, 8 2 16 plus 1 17, 17 का 1 कैरी। 2 1 2 एंड 1 प्लस कर देंगे, 3 आ जाएगा। 4 2 12, तो इस तरह से आपने जैसे 3 को मल्टीप्लाई किया था वहाँ पे, सिमिलरली 2 को आपने इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आया। अब आपने 2 क्रॉस यूज़ करने हैं और उसके बाद अब 4 को इन द सेम वे इन सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 4 16, ठीक है 6 यहाँ पर आ गया एंड 1 कैरी चला गया। उसके बाद अब 4 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ। 4 6 24, 24 में आपने 1 ऐड कर देना है तो आपके पास 25 आ जाएगा। 5 यहाँ पर आएगा, 6 के बाद देखिए ये डिजिट है तो कैरी यहाँ पर आएगा। अब इससे हमें कंसर्न नहीं है, ये ख़त्म हो चुका। अब जो ऊपर वाले कैरीज आ रहे हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो सिमिलरली 4 को भी आपने इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये नंबर आ गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने एडिशन कर लेनी है। एडिशन करनी है, 0 आ जाएगा, 8 प्लस 0 0, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 5 12,
एंड दी सेम वे अदर्स को आपने इन सारे डिजिट्स को ऐड कर लेना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा।